हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास पर सुन वालों भाई, हम कर रहे थे बेटा क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देख चुके थे और उनका फंक्शन देख चुके थे। बेटा आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उस लेक्चर में बेटा हम क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती है और उनके अलग अलग क्या फंक्शन होते हैं और अलग अलग किस तरीके से वो अपना मैकेनिज्म निभाते हैं इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है जी बेटा, तो आपका आज का टॉपिक क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो अब तक बेटा हमने क्या की थी, एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी की थी और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा वो आपका दो चीजों से मिलके बना है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड और उसके मैकेनिज्म को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पूरा फोकस आपको बोर्ड पे रखना है, आपको साथ के साथ में याद भी ही हो जाएगा, रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बेशर्ते आपका ध्यान बोर्ड पे हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक दोबारा पढ़ा रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी 9 to 12 की रेगुलर वीडियोस के लिए इस चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का टॉपिक क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो मैंने जैसे आपको बताया था बेटा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है मेनली बेटा वो कौन कौन सी होती है, सेलिवरी ग्लैंड। कौन सी होती है बेटा? सेलिवरी ग्लैंड। इसके अलावा क्या होती है बेटा? लीवर, जो आपकी L4 लीवर, L4 लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है जी, और तीसरी होती है बेटा आपका पेनक्रियास। कौन सी होती है? पेनक्रियास। ठीक है बेटा, तो अब हम इन तीनों को बारी बारी बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हम किसके साथ, हमारी सेलिवरी ग्लैंड के साथ। किसके साथ बेटा? सेलिवरी ग्लैंड के साथ। तो सबसे पहले आता है बेटा इसका नंबर कि कितनी प्रेजेंट होती है। तो बेटा ध्यान से सुन लेना, ये जो सेलिवरी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में 3 पेयर प्रेजेंट होती है। कितनी बेटा? 3 पेयर, मतलब 3 जोड़े। नंबर 3 आ जाए तो नहीं टिक करोगे, 3 पेयर पे ही टिक लगाओगे। तो इसके नंबर कितने होते हैं बेटा? 3 पेयर। कितने? 3 पेयर। इन तीनों पेयर्स का बेटा अलग अलग नाम है, जिसमें से पहली होती है बेटा पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी होती है बेटा? पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड जो सेलिवरी ग्लैंड होती है बेटा, ये सेलिवरी ग्लैंड्स में से लार्जेस्ट ग्लैंड है। पूरी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि सेलिवरी ग्लैंड्स के तीनों पेयर्स में से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है बेटा, तो कौन सी होगी बेटा आपकी? पैरोटिड। तो हम यहां पे लिख देंगे बेटा आपका लार्जेस्ट। ठीक है जी बेटा, दूसरा है आपका क्या? सबलिंगुअल। कौन सा? सबलिंगुअल। और जो तीसरा होता है बेटा उसको हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर। सब मैक्सिलरी या फिर बेटा जी आपका सब मैंडिबुलर। ठीक है जी, तो ये आपके 3 पेयर है बेटा आपके सेलिवरी ग्लैंड के, जो क्या सीक्रेट करते हैं? क्या सीक्रेट करते हैं बेटा? सेलाइवा। क्या सीक्रेट करते हैं बेटा? सेलाइवा, जो आपकी एक एंजाइमेटिक सीक्रेशन है। बिल्कुल जीरो से करेंगे। अब बात आती है बेटा सेलिवरी ग्लैंड की, नंबर तो कर लिए, नाम कर लिए, अब बारी आती है कि सेलिवरी ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है। तो वो आएगी बेटा जस्ट आउटसाइड दी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर कोई सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। कहां प्रेजेंट होती है? जस्ट आउटसाइड दी बक्कल कैविटी। तो यहां पे लिख देंगे बेटा हम क्या? जस्ट आउटसाइड दी बक्कल कैविटी, या फिर बोल सकते हैं बेटा हम क्या? ओरल कैविटी। ठीक है बेटा जी, अब इसने सेलेवा सीक्रेट कर दी। अब बात आती है बेटा इसके फंक्शन की। किसकी? फंक्शन की। इसने क्या सीक्रेट किया बेटा? सेलाइवा। क्या सीक्रेट किया? सेलाइवा। तो सेलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम। इसलिए बोलते हैं कि सेलाइवा क्या है हमारा? एक एंजाइमेटिक सीक्रेशन। क्या है? एंजाइमेटिक सीक्रेशन। अब बात आती है बेटा कि इसके अंदर सर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा? तो सेलाइवा के अंदर हमारे 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो कौन सा होता है? सेलिवरी अमाइलेज। कौन सा होता है जी? सेलिवरी अमाइलेज। और दूसरा होता है आपका लाइसोजाइम। कौन सा होता है बेटा? लाइसोजाइम। अब इन दोनों एंजाइम्स का फंक्शन करेंगे। ऑब्वियसली बात है, इन दोनों का फंक्शन जो होगा वही आपका फंक्शन किसका होगा बेटा? सेलाइवा का। तो बेटा जो आपका सेलिवरी अमाइलेज है वो किस चीज का ब्रेकडाउन करवाता है? पॉलीसेक्राइड का, या फिर बोल सकते हो बेटा आप कार्बोहाइड्रेट का।
मतलब वो क्या करेगा, आपके पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड के अंदर तोड़ देगा या फिर स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड को आपका सेलिवरी अमाइलेज, पॉलीसेक्राइड आपका जो सेलिवरी अमाइलेज है बेटा वो आपके पॉलीसेक्राइड को तोड़ देगा किस चीज के अंदर, डाइसेक्राइड के अंदर। किसके अंदर बेटा, डाइसेक्राइड के अंदर। किस कंडीशन पे, पीएच 6.8 पे। अब आपको बेटा मैं पीएच याद करवा देता हूं एक अलग से, आपको पीएच याद करनी है तीन मेनली, मुंह की, पेट की और इंटेस्टाइन की। मतलब बेटा आपके बक्कल कैविटी की, स्टमक की और इंटेस्टाइन की, तीनों की पीएच आपको याद करनी है कैसे, 0.8 में। देखो आपकी बेटा जो माउथ की पीएच होती है वो कितनी होती है, 6.8, कितनी 6.8। स्टमक की जो आपकी पीएच होती है वो कितनी होती है बेटा आपकी 1.8। और तीसरी बच गई आपकी इंटेस्टाइनल पीएच, वो कितनी होती है, उसका अल्कलाइन मीडियम होता है बेटा वो, उसका आप क्या करोगे 6.8, 1.8 और 7.8, क्या हो जाएगा 7.8। मतलब आपका स्टमक के अंदर और आपका स्टमक के अंदर, आपका सॉरी बक्कल कैविटी के अंदर और स्टमक के अंदर जो मीडियम होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और इंटेस्टाइन का जो मीडियम क्या होता है बेटा वो क्या होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है जी, इसके बाद करेंगे कंटिन्यू, यहां पे लिख भी देते हैं, सलाइवा का जो पीएच होता है या फिर बक्कल कैविटी का जो पीएच होता है बेटा वो कितना होता है आपका 6.8। ठीक है जी, तो इसने एक्शन कर दिया और पॉलीसेक्राइड से क्या बना दिया बेटा, डाइसेक्राइड। फिर बात आती है, बोला सर सलाइवा के अंदर दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है बेटा एक्टिव एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है वो, कि हमारे फूड के साथ कोई बैक्टीरिया आ गया तो उससे लड़ने की क्षमता रखता है वो एंजाइम, जो कहां प्रेजेंट होता है सलाइवा में। तो इसका एक्शन क्या होता है बेटा जी, आपका एंटी बैक्टीरियल, क्या होता है आपका एंटी बैक्टीरियल। ये हो गया बेटा आपका कंप्लीट, कौन सा सेलिवरी ग्लैंड। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं, तीन, कौन कौन से, पैलोटिड, सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। इसकी लोकेशन की बात करें बेटा, अगर टोटल सेलिवरी ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो क्या आएगा, जस्ट आउटसाइड दी बकल कैविटी। अब बोलोगे आप, बोला सर इन तीनों की भी तो अलग अलग लोकेशन होंगी, हाँ बेटा बिल्कुल होती है। इन तीनों की लोकेशन क्या होती है, पैरोटिड होता है बेटा, जो पैरोटिड होता है वो आपके कान के पास मतलब अंदर वाली साइड प्रेजेंट होता है, जो सबसे लार्जेस्ट होती है ग्लैंड्स। तो वो क्या हो जाएगी बेटा आपकी चिक्स के पास, कहां पे हो जाएगी बेटा आपकी चिक्स के पास। ठीक है जी, सब लिंगुअल के अगर लोकेशन की बात की जाए बेटा तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे, जीभ के नीचे, कहां प्रेजेंट होती है बेटा, जीभ के नीचे। तो यहां पे क्या लिख दोगे, बिलो दी टन, बिलो दी टन। और बेटा जो आपकी सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर होती है बेटा, ये कहां प्रेजेंट होती है, आपकी लोअर जो के नीचे। तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, बिलो दी लोअर जो, बिलो दी लोअर जो। अगर आपकी सेलिवरी ग्लैंड की लोकेशन पूछे तो क्या बोलोगे, जस्ट आउटसाइड दी बकल कैविटी। और आपसे बेटा अगर अलग अलग पूछ ली जाए लोकेशन कि पैरोटिड की कहां होती है, तो कहां, चिक्स के पास, सब लिंगुअल की जीभ के नीचे, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर की बेटा बिलो दी लोअर जो, लोअर वाली जो के नीचे। ठीक है जी, तो ये आपका कंप्लीटली कंप्लीट हो गया क्या, आपका सेलिवरी ग्लैंड जो आपकी पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड थी बेटा। ठीक है जी, अब आती है बेटा आपकी दूसरी, कौन सी, लीवर। अब स्टार्ट करेंगे बेटा जी हम किसको, लीवर को। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, वरना नोट कर लेना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। दूसरी आ जाती है बेटा लीवर। देखो लीवर को हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज के साथ में, ज्यादा अलग नहीं पढ़ेंगे, साथ में ही पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, इस पूरे लेक्चर में आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, बस पूरा लेक्चर अच्छे से देख लेना। अगला है बेटा आपका लीवर। तो लीवर सबसे पहले बेटा आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड, यहां पर लिख दिया बेटा जी हमने क्या, बाइलोब्ड। तो इसकी हम दो लोब बना देते हैं बेटा, ज्यादा अच्छा डायग्राम तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका बेटा बाइलोब्ड लीवर। ठीक है जी, कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन आया, बच्चे गलत कराते हैं कि लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। तो बेटा लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हिपेटिक लोब्यूल्स। क्या होती है बेटा, हिपेटिक लोब्यूल्स, जो शेप में कैसे होते हैं, हेक्सागोनल। तो यहां पे बेटा इस टाइप से हेक्सागोनल क्या प्रेजेंट होते हैं, होते बहुत सारे हैं लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बना रहा हूं, मिलियंस तो इसमें आ नहीं पाएंगे अब।
तो ये बेटा क्या होते हैं, हिपेटिक लोब्यूल्स। क्या होते हैं बेटा, हिपेटिक लोब्यूल्स। हिपेटिक लोब्यूल्स के बाहर बेटा कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग होती है। हिपेटिक लोब्यूल्स के बाहर बेटा कई जगह लीवर की कवरिंग विधि होती है। तो वैसे स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए बेटा, तो आपकी ये जो हिपेटिक लोब्यूल के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयरिंग होती है, जो कवरिंग होती है बेटा, उसको ही बोलते हैं हम ग्लीसोन कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लीसोन कैप्सूल। ठीक है जी, इन ग्लीसोन कैप्सूल या फिर बोल सकते हो इन हिपेटिक लोब्यूल्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, जो इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, उनको हम बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, हिपेटोसाइट्स, जो मेनली आपका किस चीज का काम करती है बेटा, बाइल सिक्रीशन का। किसका काम करती है बेटा, बाइल सिक्रीशन का। ठीक है जी, अब ये क्या होगा बेटा, यहां भी सारा क्या होगा, बाइल सिक्रीट होगा विद द हेल्प ऑफ हिपेटोसाइट्स। यहां भी क्या होगा, बाइल सिक्रीट होगा विद द हेल्प ऑफ हिपेटोसाइट्स। जब यहां पे बेटा बाइल सिक्रीट हो जाएगा तो वो ऐसे डक्ट की हेल्प से बाहर आ जाएगा, डक्ट की हेल्प से बाहर आ जाएगा। अब होगा क्या बेटा, जब ये जो डक्ट होती है जहां से लीवर डायरेक्टली बाइल से आ रहा है, हिपेटोसाइट सेल से आ रहा है, उस डक्ट को बोलते हैं, इन डक्ट्स का नाम अच्छे से याद कर लेना, हर बार नीट के पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। ये जो लीवर से डायरेक्टली डक्ट्स निकलती है बेटा, इसको बोलते हैं हम हिपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हिपेटिक डक्ट। ठीक है जी, ये हिपेटिक डक्ट क्या करेगी बेटा, बाइल को लेके आएगी कहां से, लीवर से ले आई। उसके बाद क्या होता है बेटा, सारा का सारा बाइल एक टाइम में यूज नहीं होता है, तो वहां पे एक मस्कुलर बैग प्रेजेंट होता है जहां पे वो बाइल स्टोर हो जाता है। तो यहां से क्या होगा बेटा, वो बाइल आपका स्टोर हो जाएगा, यहां से वो आपका बाइल क्या हो जाएगा बेटा, आपका स्टोर हो जाएगा एक मस्कुलर बैग के अंदर। एक बार इसे बना देता हूं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है इसकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गोल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गोल ब्लैडर। अब बेटा जो गोल ब्लैडर से, जो गोल ब्लैडर से ट्यूब आती है किसकी, बाइल की। देखो दो टाइप की होगी बेटा यहां पे, एक तो लीवर से डायरेक्टली आ रही थी और एक वो स्टोर होने के लिए चली गई कहां पे, गोल ब्लैडर से। तो एक ट्यूब तो होगी बेटा जो लीवर से डायरेक्टली आ रही है, उसको क्या बोल दिया बेटा आपने, हिपेटिक डक्ट। और जो डक्ट आती है बेटा आपकी गोल ब्लैडर से, जो डक्ट आती है बेटा आपकी गोल ब्लैडर से, उसको हमने बोल दिया बेटा सिस्टिक डक्ट। क्या बोल दिया, सिस्टिक डक्ट। तो ये सिस्टिक डक्ट होगी बेटा यहां से, यहां तक है सिस्टिक डक्ट, क्यों, गोल ब्लैडर से आ रही है, और यहां तक ये क्या होगी बेटा आपकी, हिपेटिक डक्ट। आगे जाके बेटा हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिल जाती है, ये यहां पे बेटा क्या हो गया, दोनों डक्ट मिल गई, सिस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट दोनों मिल गई। दोनों के मिलने के बाद इसको एक नाम दे देते हैं बेटा, क्या, कॉमन बाइल डक्ट। इन डक्ट्स के नाम को बेटा अच्छे से पढ़ लेना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अभी जी हमने, कॉमन बाइल डक्ट, जिसके अंदर आपका बाइल है जो गोल ब्लैडर से भी आ चुका है और लीवर से भी आ चुका है। अब बोलोगे सर ये आपकी जो कॉमन बाइल डक्ट है वो कहां जाएगी, कहां जाएगी बेटा, ड्यूओडेनम में। कहां जाएगी, ड्यूओडेनम में। लेकिन एक बात है जी, ड्यूओडेनम में डायरेक्टली नहीं जाती, कॉमन बाइल डक्ट के साथ पैनक्रियाज से आने वाली डक्ट भी आगे जाके मिल जाएगी। लीवर से आने वाली डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ मिल जाएगी, पैनक्रियाज से आने वाली डक्ट के साथ। तो यहां पे बना देते हैं बेटा हम हमारा पैनक्रियाज। क्या बना देते हैं बेटा, पैनक्रियाज। ये नीचे तक विजिबल है क्या, नीचे तक विजिबल होना जरूरी है भाई, कहीं आपको दिख ही ना रहा हो। ये हो गया बेटा आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से बेटा एक डक्ट आएगी, पैनक्रियाज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल डक्ट के बारे में पढ़ लो। पैनक्रियाज से जो डक्ट आएगी बेटा, उसको हमने क्या बोल दिया, पैनक्रियाटिक डक्ट। तो यहां पे इस डक्ट को बोल देंगे बेटा हम क्या, पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है बेटा, अब ये कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाएगी, ये यहां पे मिल गई बेटा। किसके साथ मिल गई, जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट है वो किसके साथ मिल गई, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल गई। आगे क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा, इस डक्ट को बोलते हैं बेटा हम, जो आपकी फाइनल डक्ट मिल चुकी है बेटा, जो जाके ड्यूओडेनम में ओपन होगी। ये थोड़ी बड़ी बना देता हूं, जो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिल चुकी है, उसके बाद जो डक्ट मिली है उसको बोलते हैं बेटा हम हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये बोल दिया बेटा हमने, ब्लू से लिखता हूं, विजिबिलिटी सही आएगी, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट।
ठीक है बेटा, रिवाइज करवा देता हूं। देखो लीवर से डायरेक्टली जो डकता ही, लीवर से जो डायरेक्टली जो डकता ही हिपेटिक डक्ट, बाद में बाइल स्टोर होने चला गया कहां पे, गोल ब्लैडर में, जो गोल ब्लैडर से डकता ही उसको क्या बोल दिया बेटा, सिस्टिक डक्ट। फिर हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिला के एक डक्ट बना देते हैं जिसको हमने क्या बोला, कॉमन बाइल डक्ट। फिर कॉमन बाइल डक्ट बेटा आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर जो डक्ट बनाती है, कॉमन डक्ट पैनक्रिया जो लीवर की, उसको हम बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो जाके कहां पे ओपन हो जाती है बेटा, आपकी हो जाती है ओपन वो ड्यूओडिनम में। कहां पे बेटा, ड्यूओडिनम में। ये हो गया बेटा आपका डक्ट सिस्टम लीवर और पैनक्रिया का, ठीक है जी। अब डक्ट सिस्टम तो समझ में आ गया बेटा, अब पढ़ते हैं हम लीवर के बारे में। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, अब पढ़ते हैं लीवर के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है, उसके बाद करते हैं आगे। इसके बारे में, लीवर के बारे में और लीवर की सीक्रेशन के बारे में, वो किस तरीके से हेल्प करता है। देखो जी, तो लीवर के अंदर बेटा जो लीवर की सीक्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, जो लीवर की बेटा सिक्रीशन है, जो लीवर की सिक्रीशन है उसको बोलते हैं हम बेटा बाइल। सबसे मेन बात बाइल के बारे में बेटा, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम। ये बेटा एक एंजाइम को एक्टिवेट जरूर करता है, जिस एंजाइम का नाम है लाइपेज। मतलब इसके अंदर कोई एंजाइम तो नहीं होता, लेकिन ये एक एंजाइम को बेटा क्या करता है, एक्टिवेट ए एंजाइम। कौन से एंजाइम को बेटा, लाइपेज को। कौन से को, लाइपेज को। लाइपेज का काम क्या होता है बेटा, विच ब्रेक डाउन, विच ब्रेक डाउन को तोड़ता है किसको, लिपिड को, फैट को, विच ब्रेक डाउन लिपिड, ठीक है जी। अब आपने बोल दिया सर बाइल के अंदर तो कोई एंजाइम नहीं होता, तो सर बाइल के अंदर होता क्या है, बाइल के अंदर होता क्या है, ब्लैक मार्कर कहां गया भाई, आप बोलोगे सर फिर बाइल के अंदर होता क्या है बेटा, बाइल के अंदर होते हैं बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। मेनली ये दो चीज प्रेजेंट होती है बेटा, एक तो क्या हो जाएगा बेटा आपका बाइल पिगमेंट्स, क्या हो जाएगा बाइल पिगमेंट्स, और एक क्या हो जाएगा बेटा आपका बाइल सोल्ट्स, ठीक है जी। अब जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं बेटा, वो दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन, बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन, ये दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं सॉरी, जिनका डाइजेशन के अंदर कोई काम नहीं होता। बोला सर फिर ये पिगमेंट्स कहां से आए, क्या काम के, तो बेटा ये आपका एक तरीके से वेस्ट है किसका, हीमोग्लोबिन का। देखो हीमोग्लोबिन का जो आरबीसी जब टूटती है, आरबीसी जब टूटती है बेटा, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जब आरबीसी, आपकी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है, स्प्लीन के अंदर चली जाएगी, वहां पे आरबीसी टूटेगी, तो हीमोग्लोबिन लास्ट में टूट के क्या बनाता है बेटा, दो पिगमेंट बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन। इसके बारे में आपको एक मेन और बात बता देता हूं बेटा, एक बीमारी का आपने नाम सुना होगा जॉन्डिस, जिसको आप पीलिया भी बोल देते हो, जो बेटा आपकी जॉन्डिस होता है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर आपका इन पिगमेंट का एक्सेस लेवल हो जाता है। देखो नॉर्मल लेवल तो सभी में है, लेकिन बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन का लेवल अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए अपने ब्लड के अंदर, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, जॉन्डिस। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। इसके अलावा आ जाओ बेटा बाइल साल्ट्स, तो बाइल साल्ट्स का काम क्या रहता है बेटा, बाइल साल्ट आपका देखो कोई एंजाइम तो है नहीं, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, बाय इमल्सीफाई दी फैट, बाय इमल्सीफाई दी फैट, या फिर बोल सकते हो बेटा बाय इमल्सीफिकेशन ऑफ फैट, बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या बेटा, जस्ट छोटे छोटे टुकड़े करना। जैसे मान लो बेटा ये कोई फैट का आपका ग्लोब्यूल है बड़ा सा, इसको एंजाइमेटिक एक्शन तो नहीं होगा, लेकिन आपके जो बेटा बाइल साल्ट है वो क्या कर देंगे, इस बड़े से फैट की ग्लोब्यूल को, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को बेटा। हाँ भाई बेटा, तो आपकी वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा था, बीच में पता नहीं कब रुक गई, तो हम पहुंचे बाइल साल्ट तक, अभी दोबारा से बनाते हैं क्या बेटा, बाइल साल्ट तक। देखो बाइल के अंदर क्या क्या मिला था, बाइल पिगमेंट्स मिले थे और बाइल सोल्ट मिला था। बाइल पिगमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब किसके बारे में पढ़ना है बेटा, बाइल सोल्ट के बारे में। बाइल सोल्ट से कंटिन्यू करते हैं बेटा, बाइल सोल्ट आपके क्या करते हैं बेटा, बाइल सोल्ट के अंदर कोई एंजाइम्स तो नहीं होता बाइल के अंदर, लेकिन फिर भी बाइल सोल्ट आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के थ्रू, किसके थ्रू बेटा,
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के थ्रू, कि ये फैट को इमल्सिफाई करेगा। इमल्सिफाई का मतलब क्या है बेटा, जैसे कोई लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, कोई बेटा आपकी लार्ज फैट ग्लोब्यूल है उसको बाइल साल्ट किस चीज में तोड़ देगा बेटा, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। किसमें बेटा, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है जी, ये तोड़ दिया किसने बेटा आपका, बाइल सोल्ट ने। किसने, बाइल सोल्ट ने। तो इस तरीके से बेटा आपका बाइल ऑफ सोल्ट, बाइल ऑफ सोल्ट किस चीज में हेल्प करता है बेटा, डाइजेशन ऑफ फैट में। मतलब इमल्सिफिकेशन की अगर डेफिनेशन आ जाए बेटा तो क्या आएगा, इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बाइल सोल्ट्स फाउंड इन बाइल, ठीक है, विच इज अ सिक्रीशन ऑफ अ लीवर। इतनी बात समझ में आ गई भाई। तो इस तरीके से बाइल सोल्ट आपका इमल्सिफिकेशन करके डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। ये हो गया बेटा आपका कंप्लीट क्या, लीवर। अब बात करेंगे बेटा किसकी आपको, पेनक्रियाज की। किसकी, पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज का पहले बेटा हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पे लिख दिया हमने क्या जी, पेनक्रियाज, ठीक है बेटा। तो ये होगी आपकी पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज है बेटा वो क्या है, आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्या है बेटा आपकी, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होती है बेटा, जो एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो। मतलब पेनक्रियाज आपकी एक तरीके से बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और आपकी बेटा पेनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। पेनक्रियाज आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और पेनक्रियाज बेटा आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है जी। उसके बाद आता है बेटा कि सर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड होती है बेटा दो टाइप की, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है बेटा जी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, वो ग्लैंड जिनके पास सिक्रीशन रिलीज करने के लिए डक्ट होती है। मतलब जिन ग्लैंड्स के पास बेटा डक्ट होती है, मतलब जिनके पास, हिंदी में लिख देंगे ताकि याद रहे, जिनके पास डक्ट होती है उन डक्ट वाली ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे आपकी लीवर है उसके पास कॉमन बाइल डक्ट है, जैसे आपकी पेनक्रियाज है पेनक्रियाटिक डक्ट है, जिनके पास डक्ट होती है, ठीक है जी। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी वो ग्लैंड होती है बेटा जिनके पास, इसका वाइस वर्सा, जिनके पास डक्ट नहीं होती है, जिनके पास डक्ट नहीं होती है। तो ये हो गई बेटा आपकी क्या, डक्टलेस ग्लैंड। ये डक्ट फुल ग्लैंड, ये डक्टलेस ग्लैंड। अब इनके सिक्रीशन में भी फर्क होता है बेटा। देखो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनके पास डक्ट होती है वो क्या सिक्रीट करती है बेटा, एंजाइम्स। क्या सिक्रीट करती है, एंजाइम्स। और जो बेटा डक्टलेस ग्लैंड होती है बेटा वो क्या सिक्रीट करती है, हॉर्मोन्स। क्या सिक्रीट करती है बेटा, हॉर्मोन्स। तो पेनक्रियाज की कुछ सिक्रीशन होती है बेटा जो डक्ट के द्वारा रिलीज होती है, इसलिए इसको बोल दिया एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज की कुछ सिक्रीशन ऐसी है बेटा जिनके पास डक्ट नहीं होती, जो हार्मोन रिलीज करती है, उसको क्या बोल दिया बेटा हमने, एंडोक्राइन पार्ट। अब बात की जाए बेटा एक्सोक्राइन पार्ट की पहले, तो एक्सोक्राइन पार्ट में यहां पे क्या होगी बेटा, पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या होगी बेटा, पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये क्या हो गया बेटा जी आपका, पेनक्रियाज। क्या हो गया, पेनक्रियाज। ये क्या होगी बेटा आपकी, पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या होगी, पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट के दोनों ओर, दोनों साइड बेटा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा पेनक्रियाटिक एसिनाई। क्या बोलते हैं बेटा, पेनक्रियाटिक एसिनाई, पेनक्रियाटिक एसिनाई विच रिलीज एंजाइम, विच रिलीज एंजाइम। अब ये क्या करेंगे बेटा, एंजाइम को रिलीज करेंगे जो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पेनक्रियाज से बाहर आ जाएगा। इसकी सिक्रीशन को अभी डिटेल में करते हैं, पहले स्ट्रक्चर को समझ लो, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी होता है जिनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती, जो हार्मोन रिलीज करता है, उसके नाम पे बेटा इसके अंदर दो टाइप की सेल्स मिलती है, एक को बोलते हैं बेटा अल्फा सेल्स, एक को बोलते हैं बेटा बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स क्या करती है बेटा, दो हार्मोन रिलीज करती है। जो आपका अल्फा सेल है बेटा वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ग्लूकागोन। कौन सा बेटा, ग्लूकागोन। और जो बीटा सेल होती है बेटा वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, आपका इंसुलिन। कौन सा बेटा, इंसुलिन। ये दोनों के दोनों हार्मोन ही क्या काम करते हैं, अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। मतलब ये दोनों एंजाइम मिलके ना तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हद से ज्यादा होने देते हैं, और ये दोनों एंजाइम मिलके ही
मतलब ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर बिल्कुल कम होने देते हैं, मतलब मेंटेन करके रखते हैं। तो इन दोनों का इंडिविजुअल फंक्शन क्या होता है बेटा, देखो जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए कौन काम करेगा, ग्लूकागोन। क्यों? क्योंकि ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है जी। वैसे इंसुलिन, जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया, नॉर्मली ज्यादा हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, कम करना पड़ेगा। तो इंसुलिन उस ब्लड के अंदर से ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो इन दोनों का फंक्शन सेपरेटली लिख लेंगे। ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीज दी लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, और ये क्या आ जाएगा बेटा, इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज दी लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ये हो गया बेटा इसका एंडोक्राइन पार्ट, किसका, पेनक्रियाज का। कि अल्फा सेल बीटा सेल होती है, अल्फा सेल क्या सीक्रेट करती है, ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या सीक्रेट करती है, इंसुलिन। अल्फा सेल के अंदर जो ग्लूकागोन होता है बेटा, जो ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। इस तरीके से बेटा ये दोनों हार्मोन मिलके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखते हैं। अब बात आती है, बोला सर आपने एंडोक्राइन पार्ट का फंक्शन तो करवा दिया, अब एक्सोक्राइन पार्ट का फंक्शन भी करवा दो। तो अब करेंगे बेटा हम पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट का फंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा किसका, पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन, ठीक है जी। तो आज हम कर रहे हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हेल्प से कैसे डाइजेशन होते हैं बेटा, हम वो कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ बेटा, अब क्या है पेनक्रियाटिक जूस, यहां पे लिख दिया बेटा मैंने पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से क्या रिलीज हुआ बेटा आपका, पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज हुआ, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, ठीक है जी। तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स होंगे बेटा वो कैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो चीज देखेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो देख लेते हैं बेटा। एक तो होता है आपका ट्रिप्सिनोजन। क्या होता है बेटा आपका, ट्रिप्सिनोजन। एक होता है बेटा आपका काइमोट्रिप्सिनोजन। एक होता है बेटा आपका प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है जी। एक तो क्या है ट्रिप्सिनोजन, एक क्या है काइमोट्रिप्सिनोजन, एक क्या है बेटा आपका प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब देखो एक एक करके करते हैं बेटा। इसके अंदर और भी एंजाइम होते हैं जैसे पेनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या होते हैं बेटा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है बेटा, ठीक है। ये सब एंजाइम्स हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बेटा ये कैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो देखेंगे। देखो सबसे पहले बारी आई बेटा ट्रिप्सिनोजन की। किसकी, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन क्या है बेटा, एक इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है बेटा, एक इनएक्टिव फॉर्म है। वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में, एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है बेटा जो फंक्शन करती है। अब जो बेटा ट्रिप्सिनोजन से, बोला सर आपने ट्रिप्सिन कैसे बन गया, तो वो बनता है बेटा एंटेरोकाइनेज की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एंटेरोकाइनेज की हेल्प से। बोला सर ये एंटेरोकाइनेज कहां से आया, देखो नाम से पता चल रहा है एंटेरो। एंटेरो का मतलब बेटा एंट्रिक, इंटेस्टाइन से। अब देखो मैंने बताया था इंटेस्टाइन से जो जूस रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। उसी के अंदर क्या मिलता है बेटा आपका, एंटेरोकाइनेज। इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम भी है बेटा क्या, सक्कस इंटेरिसस। तो यहां पे लिख देंगे बेटा क्या, इंटेस्टाइनल जूस। क्या वो लिख देंगे, इंटेस्टाइनल जूस, और या फिर लिख देंगे बेटा आपका सक्कस इंटेरिसस। क्या लिख देंगे बेटा, सक्कस इंटेरिसस। ये सक्कस इंटेरिसिस या इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है बेटा, एंटेरोकाइनेज रिलीज करता है, जो क्या काम करेगा आपका, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका दूसरा आता है बेटा क्या, काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या आता है, काइमोट्रिप्सिनोजन। यहां पे लिख दिया बेटा हमने क्या, काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या लिख दिया जी, काइमोट्रिप्सिनोजन, जो किस चीज में कन्वर्ट होगा बेटा, ये जहां पे नोजन आ जाए उसका मतलब है वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये भी क्या है बेटा आपकी, इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है बेटा आपकी, इनएक्टिव फॉर्म है, जो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, काइमोट्रिप्सिन में। किस चीज में बेटा, काइमोट्रिप्सिन में, विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो आपका यहां पे एक्टिवेट हुआ था वो फर्दर क्या करेगा बेटा आपका,
काइमोट्रिप्सिन ओजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। आगे बात समझ में। उसके बाद है बेटा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या है बेटा? प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। यहां पे लिख दिया बेटा मैंने क्या, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है जी, ये प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या होगा बेटा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर कन्वर्ट होगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर बेटा जी ये कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेम ट्रिप्सिन। क्या बेटा? विद द हेल्प ऑफ सेम ट्रिप्सिन। इतनी बात समझ में आ गई भाई। ट्रिप्सिन ओजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज कहां से आएगा? इंटेस्टाइनल जूस से। इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम भी है क्या बेटा? सक्कस इंटेरिसस। ठीक है जी। उसके बाद आता है बेटा आपका काइमोट्रिप्सिन ओजन। वो ट्रिप्सिन की हेल्प से काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज ट्रिप्सिन की हेल्प से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होगा। बोला सर आपने इन तीनों एंजाइम्स को एक्टिवेट फॉर्म में तो लिया है, लेकिन ये एक्टिवेट फॉर्म में क्या काम करेंगे? देखो अब मैं आपको थोड़ा सा याद करवाता हूं बेटा। जब हम एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि प्रोटीन की डाइजेशन कहां पे स्टार्ट होती है? स्टमक के अंदर। कहां पे होती है बेटा? स्टमक के अंदर। वहां पे क्या हो रहा था? प्रोटीन कन्वर्ट हो गए थे बेटा किसमें? पेप्टोन्स और प्रोटीओजिस में। किसमें बेटा? पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजिस में। स्टमक के अंदर प्रोटीन टूट चुके थे किस चीज में? पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजिस। क्या सारा का सारा प्रोटीन स्टमक में टूट चुका था? नहीं बेटा, कुछ प्रोटीन टूट गया था, कुछ प्रोटीन वैसा का वैसा इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है जी। मतलब आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन किस किस फॉर्म में मिलेगा? प्रोटीन की फॉर्म में मिलेगा जो ऐसा ऐसा स्टमक से आ गया था। पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस की फॉर्म में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टमक में पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस की फॉर्म में तो टूट गया बेटा, लेकिन वो बाद में आएगा कहां पर? इंटेस्टाइन में आएगा। तो इसके बाद इन तीनों एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है बेटा? वो करते हैं। देखो कैसे, अब आपके पास देखो जो स्टमक से बेटा ऐसा का ऐसा आ गया प्रोटीन, वो तो प्रोटीन की फॉर्म में ही प्रेजेंट है। जो स्टमक में टूट गया किस चीज में टूटा था? या तो बेटा पेप्टोन्स में टूटा था, या तो बेटा वो पेप्टोन्स में टूटा था, या फिर टूटा था बेटा वो प्रोटीएजिस में। किसमें? प्रोटीएजिस में। ये तीनों के तीनों कॉम्पोनेंट प्रोटीन पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजिस, ये तीनों के तीनों टूट जाएंगे फर्दर किस चीज में बेटा? डाइपेप्टाइड में। किसमें टूट जाएंगे बेटा? डाइपेप्टाइड्स में। टूट गया बेटा जी किसमें? डाइपेप्टाइड्स में। कौन कौन से एंजाइम की हेल्प से टूटेंगे बेटा? तो वहां पे वो सेम तीनों एक्टिवेटेड एंजाइम लिख देंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड बेटा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। आगे बात समझ में। तो प्रोटीन की डाइजेशन पैनक्रियाटिक जूस कैसे करते हैं वो चीज देख ली। प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस को डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। अब आ जाओ बेटा पेनक्रियाटिक जूस के दूसरे एंजाइम पे। किस पे? पेनक्रियाटिक अमाइलेज पे। अब देखो अमाइलेज मैंने बताया था क्या करता है, पॉलीसेक्राइड को तोड़कर क्या बनाता है? डाइसेक्राइड। तो नॉर्मल सी बात है बेटा यहां पर क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड। क्या बनेगा बेटा? पॉलीसेक्राइड टूट जाएगा किसमें बेटा? डाइसेक्राइड में। किसमें? डाइसेक्राइड में। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बोला सर प्रोटीन डाइपेप्टाइड में टूट गया, पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में टूट गया, क्या ये इसी फॉर्म में टूटे रहेंगे? क्या यही इनकी लास्ट फॉर्म में टूटने की? नहीं बेटा, ये इससे भी आगे टूटेंगे। लेकिन मैंने यहां पे डाइपेप्टाइड पे डाइसेक्राइड पे कहानी पता है क्यों रोकी है? क्यों? क्योंकि अभी हम फंक्शन कर रहे हैं इसका, डाइजेस्टिव ग्लैंड का। इसका मतलब क्या है कि पेनक्रियाटिक जूस का कितना काम है? पेनक्रियाटिक जूस का काम है कि प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स तक तोड़ना। पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम है? पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में तोड़ना। समझे? इससे फर्दर भी टूटेंगे। इससे फर्दर कैसे टूटेंगे? देखो पहले स्टमक का एक्शन हुआ, फिर किसका हुआ? पेनक्रियाज का हुआ, लीवर का हुआ, हो गया। उसके बाद कहां जाएगा फूड? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? इंटेस्टाइनल जूस। तो इससे आगे की जो फर्दर डाइजेशन है वो कौन करेगा बेटा? इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस कैसे डाइजेशन करता है जब हम वो टॉपिक करेंगे तो डाइजेशन कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से। आपको इतना ध्यान रखना है कि फूड डाइपेप्टाइड तक टूट चुका है पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से, फर्दर टूटेगा इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से। इसीलिए बेटा इसको कंप्लीट बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है जी। अब पॉलीसेक्राइड टूट जाएगा बेटा डाइसेक्राइड में। ठीक है, किसकी हेल्प से बेटा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से। किसकी हेल्प से? पेनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से। अगली बात समझ में।
अब जो ये पॉलीसेक्रेड है, बोला सर सेलिवरी अमाइलेज ने भी तो तोड़ा था, पेनक्रियाटिक अमाइलेज ने भी तो तोड़ा है, क्या फर्क है दोनों में? तो बेटा जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो आपका 70% पॉलीसेक्रेड को तोड़ता है, 70% पॉलीसेक्रेड को तोड़ता है, और जो बेटा आपका सेलिवरी अमाइलेज है, जो आपका बेटा सेलिवरी अमाइलेज है वो आपका सिर्फ ब्रेक डाउन 30% ऑफ पॉलीसेक्राइड, ब्रेक डाउन ऑफ 30% ऑफ पॉलीसेक्राइड इन बक्कल कैविटी। उसका एक्शन कहां होता है बेटा? बक्कल कैविटी में। तो यहां पे क्या लिख देंगे? इन बक्कल कैविटी। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से बेटा आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज काम करता है। अब बात आती है बेटा पेनक्रियाटिक लाइपेज की। किसकी बेटा? पेनक्रियाटिक लाइपेज की। भाई इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इतने में रब कर देता हूं। अब करेंगे बेटा हम किसके बारे में? पेनक्रियाटिक लाइपेज के बारे में, कि पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या काम करता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज भाई नॉर्मल सी बात है, लाइपेज क्या करता है बेटा? फैट को तोड़ता है, नॉर्मल सी बात है। फैट या फिर ट्राइग्लिसराइड्स को किसमें? डायग्लिसराइड्स में या फिर किसमें? मोनोग्लिसराइड में। उसका फर्दर ब्रेकडाउन भी कर सकता है कौन? पेनक्रियाटिक लाइपेज, मोनोग्लिसराइड्स। तो जो ट्राइग्लिसराइड को डायग्लिसराइड में तोड़ने का काम या फिर डायग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में तोड़ने का काम कौन करता है बेटा? आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा बेटा? इसको या तो डायग्लिसराइड में तोड़ देगा और या फिर मोनोग्लिसराइड में तोड़ देगा। ये लिख दिया मैंने पेनक्रियाटिक लाइपेज। मोनोग्लिसराइड से आगे कौन तोड़ेगा वो जाने भाई आपका इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज का काम कितना है? इसको मोनोग्लिसराइड तक तोड़ देगा और आगे पास कर देगा। इसके अलावा बेटा पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक और भी एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जहां पे न्यूक्लिक एसिड इसकी ब्रेकडाउन होती है बेटा, तो ये सुना आपने पहली बार डाइजेशन चैप्टर के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लिक एसिड्स की डीएनए की या आरएनए की डाइजेशन कहां स्टार्ट होती है, तो क्या बोलोगे? पेनक्रियाटिक जूस जहां से सिक्रीट होता है, मतलब पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन से पहले, पेनक्रियाटिक जूस के एक्शन से पहले न्यूक्लिक एसिड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो माउथ से लेके ड्यूओडेनम तक ऐसा का ऐसा आया है, तो उसकी डाइजेशन कहां स्टार्ट होगी? न्यूक्लिक एसिड की कहां स्टार्ट होगी? ड्यूओडेनम में। कहां होगी? ड्यूओडेनम में। तो क्या होता है बेटा, यहां पे मान लो कोई न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, क्या है? कोई न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, तो आपके पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या मिलेगा बेटा? न्यूक्लियेज। क्या मिलेगा? न्यूक्लियेज या फिर क्या बोल सकते हो इसको? डीएनएज भी बोल सकते हो बेटा, इसको आरएनएज भी बोल सकते हो। ये इसको किस चीज में तोड़ देगा बेटा? न्यूक्लियोटाइड में। किस चीज में तोड़ देगा? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड किस चीज में टूट जाएगा बेटा? न्यूक्लियोसाइड में। ठीक है जी। न्यूक्लियोसाइड से आगे फर्दर जो डाइजेशन होगी वो कौन जाने? इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज का काम सिर्फ कहां तक का है? न्यूक्लियोसाइड तक का है। न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया तो काम खत्म। तो देखो न्यूक्लियस तो प्रॉपर कहां मिलता है बेटा? पेनक्रियाटिक जूस में। अब न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियोटाइडेज। कौन करेगा बेटा? न्यूक्लियोटाइडेज। भाई ध्यान से सुन लेना, न्यूक्लियोटाइडेज आपका स्मॉल अमाउंट में कहां प्रेजेंट होता है? पेनक्रियाटिक जूस में। बाकी न्यूक्लियोटाइडेज की मेन लोकेशन क्या है? इंटेस्टाइनल जूस, सकस इंटेलिसस। मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोसाइड में टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, बाकी बचा हुआ न्यूक्लियोटाइड बेटा सीधा भी चला जाता है कहां पे? ड्यूओडेनम में, जहां पे वो टूटता है। ड्यूओडेनम के अंदर भी वो टूटता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड दो जगह टूट सकते हैं बेटा, कहां कहां? पेनक्रियास में और ड्यूओडेनम में। क्यों? पेनक्रियास के अंदर क्या है? पेनक्रियाटिक जूस है, मतलब पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से भी न्यूक्लियोटाइड टूट सकता है और सकस इंटेलिसस की हेल्प से भी न्यूक्लियोटाइडेज टूट सकता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन सकस इंटेलिसस, तो वहां पे था न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियेज, नन ऑफ दीज। तो एक बात बता देता हूं, देखो न्यूक्लियोटाइडेज मिलता है पेनक्रियाटिक जूस में भी, सकस इंटेलिसस में भी।
न्यूक्लियोसाइडेज मिलता है सिर्फ कहां पे? सिर्फ और सिर्फ सक्कस इंटेरिसस में। सिर्फ और सिर्फ कहां? सक्कस इंटेरिसस में। क्यों? क्योंकि मैं पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रेशन में कहां तक तोड़ रहा हूं? न्यूक्लियोसाइड में। अगर पैनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियोसाइडेज होता तो न्यूक्लियोसाइड भी छूट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो न्यूक्लियोसाइडेज सिर्फ कहां होगा? सक्कस इंटेरिसस में। न्यूक्लियोटाइडेज कहां होगा? सक्कस इंटेरिसस में भी और पैनक्रियाटिक जूस में भी। लेकिन बेटा जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ कहां पे होता है? आपका पैनक्रियाटिक जूस में। सक्कस इंटेरिसस के अंदर न्यूक्लियस एंजाइम नहीं होता है। ये दो तीन बार नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये होगी बेटा न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। मतलब बेटा आज हमने कर लिया, लीवर ने जितनी डाइजेशन करनी थी वो कर ली, पैनक्रियाज और लीवर और सेलिवरी ग्लैंड की वजह से मतलब जितनी सिक्रीशन, जिस हद तक सिक्रीशन होती है वो आज के लेक्चर में हमने सारा कर लिया। ठीक है जी, अब यहां तक का आप रिवाइज कर गया होगे बेटा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है और क्या इसका मैकेनिज्म रहता है, किस हद तक ये फूड को तोड़ता है, जैसे डाइसेक्राइड तक, डाइपेप्टाइड तक, यहां पे मोनोग्लिसराइड तक, यहां पे न्यूक्लियोसाइड तक, ये तोड़ता है आपका पैनक्रियाज। इससे आगे का सिक्रीशन कौन करेगा? इंटेस्टाइन। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपका क्या बच गया बेटा कि इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन आपका फूड की डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। यहां तक रिवाइज करके आएंगे, कल के लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे डिसऑर्डर को छोड़ के ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। मतलब कल के लेक्चर के अंदर हम करेंगे बेटा क्या कि इंटेस्टाइन कैसे डाइजेशन करता है। आज हमने कर लिया डाइजेस्टिव ग्लैंड के फंक्शंस। ठीक है जी, थैंक यू। इतना रिवाइज करके आना, लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, बाय बाय।